आज हम एजुकेशन का जो है इनवेलप डिज़ाइन करेंगे, और आप देख रहे हैं हम लोगों ने पहले से ही लेटर डिज़ाइन किया हुआ है, और मैंने स्पेस से जो है हैंड टूल दिया हुआ है, और आपको जो है लेफ़्ट साइड भी जो है शो हो रहा है हैंड टूल, और मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखा दिया, और मैंने अगेन जो है सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो मैंने इसे सेलेक्ट किया लोगों को, और बाकी की डिटेल जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैंने सेकंड लेटर की भी चीज़ें जो है डिटेल कॉपी कर ली, और मैं इसे जो है ड्रैग करवा के ला रहा हूँ एनवेलप की साइड, और आप देखा किस तरह से जो है मैं इसे ड्रैग करवा के ले आया हूँ, और हमने जो सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट रखा हुआ है आप देख रहे हैं। और मैं अब जो है पुरानी जो है डिटेल वो रिमूव करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोग जो है आज न्यू और मॉडर्न सा जो है एनवेलप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने डार्क सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया, और मैं इसे डाउन की तरफ मूव कर रहा हूँ। और मैंने अगेन जो है डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो है दो पॉइंट जो है रेक्टेंगल के सेलेक्ट कर लिए, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसे डाउन की तरफ मूव करवा लिया है, और मैंने जो है लोगों को भी डाउन की तरफ मूव करवा लिया, और मैं इसे जो है अलाइन करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइकन और बाकी की चीज़ें जो सेलेक्ट कर ली हैं, और मैं इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और मैं बाकी की चीज़ें जो है दो इसकी जो है रिमूव करवा ली, और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया, और मैं रेक्टेंगल को जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने जो है सिलेक्शन टूल अब अगेन जो सेलेक्ट कर लिया, और मैं अब जो है आइकन और बाकी डिटेल जो है सेट करवा रहा हूँ। और मैंने आइकन को जो है अनग्रुप करवा लिया, आपने देखा किस तरह से जो है मैंने इसे जो है राइट क्लिक किया और अनग्रुप करवा लिया, और मैं इसकी मदद सेटिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे किस तरह से जो है मैं इसे मूव करवा रहा हूँ, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिए, इस तरह से अलाइनमेंट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हम लोग सिलेक्शन टूल से ही इसे मूव करवा रहे हैं इजीली, और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक हमारा जो एनवेलप फ्रंट जो है वो रेडी हो चुका है, बस थोड़ी सी मदद सेटिंग करनी है और हमारा जो है एनवेलप ये डिज़ाइन हो जाएगा। और आप भी इसी तरह से अलाइनमेंट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं मैंने राउंड रेक्टेंगल को जो है थोड़ा सा जो है राइट साइड जो है मूव करवा लिया है, और हमारा जो है फ्रंट जो है इनवेलप वो डिज़ाइन हो चुका है, और मैं अब बैक की तरफ मूव कर रहा हूँ, और मैंने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसे जो है कलर चेंज करवा लिया है, और मैं बाकी की चीज़ें जो है एडिट करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो हमने बैक भी जो है रेडी कर लिया है,
और आप देख रहे हैं मैं लेटर की तरफ आ गया हूँ और मैं इसे अगेन जो है कॉपी कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसका बैक जो है वो मॉडर्न सा डिज़ाइन कर रहा हूँ। और आपने देखा किस तरह से जो है हमने इसे ड्रैग करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसे जो है छोटा करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा, अलाइन करवाइएगा। और हमने जो है डायर सिलेक्शन टूल से जो है अब इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने राइट साइड जो है मूव करवा लिया डायर सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन का जो एनवेलप वो बैग भी जो है रेडी हो गया है। और मैंने बाकी की चीज़ें जो है सेलेक्ट कर ली हैं और मैंने इसे जो है ईजिली रिमूव करवा लिया। और आप देख रहे हैं हम अब सेकंड ऑप्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने डायर सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल जो है वो मैंने सेट करवा लिया है। और मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने लोगों की जो है अल की मदद से कॉपी ले ली है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। और आप भी इसी तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। बाकी की चीज़ें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और मज़ीद हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और आप देख रहे हैं मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही सेट कर रहा हूँ। और आपने देखा किस तरह से जो है मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेट कर लिया और मैं इसे जो है सेट करवा रहा हूँ रेक्टेंगल को। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो है मूव करवा रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने जो है सेकंड ऑप्शन का जो है फ्रंट जो है वो रेडी कर लिया है। और मुझे थोड़ा सा जो है इसमें मज़ा नहीं दे रहा, मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसको सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे यूनिक और मॉडर्न सा जो है इनवेलपमेंट डिज़ाइन हो जाए एजुकेशन का। और आप देख रहे हैं मैंने दो रेक्टेंगल जो है वो मैंने उसकी जेल की मदद से कॉपी कर लिया और मैंने इसे जो है राइट साइड जो है वो मैंने इसे सेट कर लिया। और मैंने डायर सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा ये जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ी सी इसमें मज़ीद चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखते हैं कि हम लोग थोड़ा सा यूनिक और मॉडर्न सा जो है इनवेलप जो है डिज़ाइन कर सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं सेटिंग कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैंने जो है पहले रेक्टेंगल जो हम लोग डिज़ाइन कर रखा था वो मैंने उससे जो है सेलेक्ट कर लिया और मैंने उससे जो है डिलीट करवा लिया। और मैं आइकन का भी जो है कलर चेंज करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो है मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा लिया है। और मैंने जो है अगेन इसकी जो है डुप्लीकेट ले लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे सेलेक्ट कर लिया है और मैंने इसे जो है ईजीली रिमूव करवा लिया। और मैं अब आइकन को जो है मूव करवा रहा हूँ। आप इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा, अलाइन करवाइएगा। और मैंने जो है अगेन सर्किल जो है सेट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसको अलाइन करवा रहा हूँ। और मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और कंट्रोल बी करवा लिया, बी फॉर बॉल।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइकन का जो है कलर चेंज करवा लिया है। और मैंने सर्किल की जो है डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आइकन को जो है सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है सेटिंग करवा रहे हैं। और मैंने इसे जो आइकन को अनग्रुप कर लिया और मैं अब जो है दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आइकन और सर्कल को, और मैं इसे जो है अलाइन करवाऊँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं इसके अलाइनमेंट कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है अलाइनमेंट कीजिएगा। और मैंने इन्हें जो है सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है ग्रुप करवा रहा हूँ कंट्रोल जी से। आप भी जो है कंट्रोल जी से जो है ग्रुप करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब इसे जो है डाउन की तरफ मूव कर रहा हूँ आइकन को, और मैं इसे जो है अब सेटिंग करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं मैंने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है अभी से जो है सब आइकन को जो है बाकी डिटेल को जो है मैं अलाइन करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा और अलाइनमेंट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं हमने जो है सेकंड ऑप्शन जो है मॉडर्न सा फ्रंट जो है वो इनवेल्प डिज़ाइन कर लिया एजुकेशन का। और आप देख रहे हैं ये हमारा जो है खूबसूरत सा जो है ऑप्शन डिज़ाइन हो चुका है। और हम अब बैक की तरह मूव कर रहे हैं और मैंने जो है लोगों की जो है कॉपी ले ली। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो कॉपी ली है वो अल्ट प्रेस कर लिया और क्लिक जो है वो मैं राइट साइड मूव करवा रहा हूँ और ये हमारी जो है कॉपी डुप्लीकेट हो जाएगी। और मैंने जो है अब आइज ड्रॉपर की मदद से इसे जो है कलर दे दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम लोगों ने जो है सेकेंड ऑप्शन जो है मॉडर्न सा डिज़ाइन कर लिया है। और मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद और चेंजेस देखना चाह रहा हूँ, अगर कोई है तो हम मज़ीद चेंजेस करके देख लें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अभी से जो है आइकन और बाकी चीज़ों को जो अलाइन करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो अलाइनमेंट में आके इसे जो अलाइन करवाइएगा। देख रहे हैं बाकी की डिटेल जो है मैं इसे जो है ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसे अलाइन करवाएँगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसे अलाइन करवा लिया है। और मैं अब लोगों को थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया फ्रंट का। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आज हमने जो है दो ऑप्शन जो है डिज़ाइन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।